हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी एट होम। अच्छे से घर पे रहेंगे। वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो और लास्ट लेसन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन द फर्स्ट वीडियो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने इसके बारे में लिया, समझा था। इसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है और क्या तरीका से होता है, क्या होते हैं ये, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद टाइप ऑफ मिरर के बारे में हमने देखा था, समझा था। और फिर प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमने लिया। उसके बाद बात कर रहे थे हम मिरर की, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने समझा कैसे होते हैं ये, और इनके फॉर्मूला को देखा, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ये देखा हमने। और ये साइन सिंबल के बारे में हम आगे बात करेंगे, माइनस और प्लस कब लगता है, क्यों लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ टर्म्स जो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड थी, जिनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, रेडियस आर, होल ऑफ मिरर पी एंड प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज एक्सिस नॉट एक्सिस, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट कुछ अच्छी बातें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो बच्चों मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो वीडियो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये चैप्टर भी बहुत आपके लिए लिहाज से और अब तक के जितने चैप्टर पढ़े हैं उन सब के लिहाज से थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट महसूस हो, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं और डाउट्स क्लियर करते हैं, तो मेरा दावा है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ओनली कंडीशन है कि आप पूरा देखें, पूरा समझें, और जहां डाउट आपको नजर आता है उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें, पूछें, समझें, ठीक है। तो चलो बात शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम टाइम खराब नहीं करते, हो सकता है वीडियो लंबा हो लेकिन बोर ना हो, और टाइम तो लगेगा बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है आपको पिला दी गई और आपको लर्न हो गया और हो गया काम, ऐसा नहीं है। ये लंबी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपेरिजन की बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्क्लेव जो मिरर है, कॉन्केव मिरर। ये क्या कॉन्क्लेव कहाँ से आ गया, सॉरी। तो कॉनकेव मिरर के बारे में अगर हम बात करें, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। सो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट, यूज्ड एट होम बाय टू इन एज ए सेविंग मिरर, इन सर्च लाइट्स में इनको यूज किया, जैसे जो पुलिस के पास होती है बड़ी लंबी है, बहुत पावरफुल जो सर्च लाइट्स होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता। इन हेड लैम्प्स ऑफ व्हीकल्स एंड ऑप्थेल्मोस्कोप में भी, मीन्स जो आई साइट को चेक करने में, जो आईज को चेक करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो रखते हैं इसको, उसको ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं, वह इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कहाँ कहाँ यूज होता है ये। रियर व्यू मिरर के रूप में, गाड़ी में जो बैक साइड में हम देखते हैं, इसके अलावा शॉप में यूज करते हैं, जिससे आपको बैक साइड का जो है वो दिखता रहे कहाँ क्या हो रहा है और चोरी वोरी ना हो, उसको बचाने के लिए देखते रहें, ध्यान रख सकते हैं आप। ट्रैफिक जंक्शंस जहाँ होते हैं, जैसे तीन रोड जहाँ मिलें, चार रोड जहाँ पे मिलें, वहाँ पर भी एक दो मिरर इस तरह से लगाए जा सकते हैं, और वहाँ पर लगाए जाते भी हैं, आपने कैंट एरिया में भी देखा होगा, ओके। एंड देन टू लाइटन द लार्ज एरिया, बड़े एरिया को अगर लाइट अप करना है, लाइट वहाँ पे करनी है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ यूजेस। अब बात कर लेते हैं हम रूल्स की, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स। सबसे बात पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होगी उनके क्या रूल्स होंगे। तो इसके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं एक छोटा सा। चलो फर्स्ट वन, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू फोकस। ध्यान दो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इसके पैरेलल कोई रे आ रही है तो फिर क्या होगा, गेट रिफ्लेक्टेड बैक बाय फोकस। ये पहले फोकस रहेगा, यहाँ पर फोकस है, फिर होगा सी और फिर इन्फिनिटी यहाँ पे। तो ये फोकस के थ्रू रिफ्लेक्टेड होके निकल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे देखें, यहाँ देखो, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये आ गई, तो ये फोकस में से रिफ्लेक्टेड होके निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रेज पासिंग थ्रू द फोकस। अब ध्यान दें, वो रे जो फोकस से पास हो रही है विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे जो है, यहाँ पर ध्यान दें, अगर कोई रे फोकस के थ्रू इस पर इंसिडेंट हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर निकल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो निकल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल निकल जाएगी। बट इट
सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, रेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ऑन पाथ। यहाँ ध्यान दें, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जो है यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो इसी रास्ते से वो वापस निकल जाएगी, ठीक है। अगर वो इस तरीके यहाँ से इंसिडेंट हुई तो वापस भी इसी पाथ से, इसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली जानते हो ना, टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा, ऑब्लिकली एट पोल गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इन टू द सेम मीडियम। अगर कोई इस तरह से इंसिडेंट हो रही है पोल के साथ में तो फिर वो इधर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखें, अगर कोई रे यहाँ सीधा प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल सॉरी पोल पे अगर इंसिडेंट हो रही है सॉरी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो दूसरे साइड में अदर मीडियम में इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है ना। ये इंसिडेंशन है और ये इधर से रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसके बाद हो गया, ये बातें थी कॉनकेव मिरर की। क्या क्या पढ़े हमने, ध्यान दो, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस में से रिफ्लेक्टेड होके जाएगी। अगर कोई रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है या आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस निकल जाएगी, उसी रास्ते से निकल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई रे इस तरह से ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है पोल पर तो वो फिर उसी उतना ही एंगल बनाते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे। इसके बाद बात करते हैं हम कौन से रूल्स की, कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स की। सो इसके रूल्स देखिए इजी हैं, ध्यान देंगे तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड एंड अपीयर टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। यहाँ थोड़ी सी ध्यान देंगे, अपीयर की बात आ गई है, एक वर्ड का ध्यान रखना, अपीयर हो रही है। यहाँ पर अगर कोई पैरेलल आ गई तो वो अब रिफ्लेक्ट तो इधर होनी है उसको, तो वो ऐसा फील होता है जैसे डॉट डॉट लाइन है ना, ये डॉट डॉट लाइन क्यों बनाई है, इसका मतलब है दैट इज नॉट एक्चुअली द रे इज कमिंग फ्रॉम देयर, बट इफ यू एक्सटेंड इट देन इट विल पॉइंट हियर, ओके। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर यहाँ पर ये क्रॉस करेगी, अगर इसका रिफ्लेक्टेड साइड को अगर हम आगे एनलार्ज करते हैं तो या एक्सटेंड करते हैं तो, ठीक है। तो ऐसा फील होगा कि अगर कोई रे इफ इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट बैक एंड इट विल फील दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस एफ, ऐसा फील होगा हमें, है ना, नॉट एक्चुअली, ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा जो रूल है वो क्या कहता है, रेज गोइंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर ऐसे कोई जो है रे इंसिडेंट हो रही है जो सीधा ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस में से निकलती हुई लग रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यहां से आ रही है जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न होती हुई प्रतीत होगी, निकल जाएगी उधर से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ऑन पाथ। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, अगर यहां से कोई रे इंसिडेंट हो रही है या ऐसे इंसिडेंट होती हुई नजर आ रही है तो वो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये दोनों के लिए सेम था, यहां भी ऐसा ही हुआ था, यहां भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट पोल गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इन टू द सेम मीडियम। अब यहां ध्यान दो, अगर कोई इफ एनी रे इज इंसिडेंटिंग ऑब्लिकली एट द पोल यहाँ पे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उतने ही एंगल के साथ में ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, सेम एंगल बनेगा। इसको एंगल बोलेंगे आई, स्मॉल आई, इसको बोलेंगे आर, आर इसको इंसिडेंट एंगल और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। सो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड जो एंगल हैं दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। चलिए ये बातें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बच्चों इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप प्लीज ध्यान दें इस बात में, आप बोर ना हो और पढ़ना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा। ये लास्ट स्लाइड है, हालांकि लंबा हो जाएगा लेकिन मैं थोड़ा कम ही रखूंगा, इसको कोशिश करूंगा।
चलिए इमेज फॉर्मेशन एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होंगी अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पोजिशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उनकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ कहाँ बनेगी उसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है यहाँ से अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो ये चैप्टर आपको बहुत स्मूथली आगे समझना ईजी हो जाएगा, बहुत स्मूथली आप इस पर पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ अगर कन्फ्यूजन रह गया तो बार बार आप कन्फ्यूज होते रहेंगे यस नो में, और अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी फील अच्छा नहीं फील होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए दो चार चीज़ें बिल्कुल ध्यान से समझें। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान दो। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए लागू होंगे, पहले ध्यान में थोड़ा बना देता हूँ एक मिनट। तो देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखने के उसकी सिक्स पोजिशंस हैं, सिक्स पोजिशंस एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, देन एट सी, देन सी एंड एफ के बीच में, देन एट एफ, देन इन बिटवीन एफ एंड पी, ये पी है यहाँ, ठीक है, दिख रहा है, ये थोड़ा कलर दूसरा ले लिया हमने, एफ है ये, दिख रहा होगा आपको, ये सी और ये इन्फिनिटी। तो ये सिक्स पोजिशंस हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे उनसे जो रे जो है वह यहाँ पर इंसिडेंट होगी और फिर एफ में से उनको निकलना होगा, तो निकलेंगे क्योंकि पैरेलल आ रही है तो फिर एफ में से ही निकलनी है। अब उनकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगी, कैसे कैसे होगी वो समझिए आप। अब इसको लर्न करना बहुत जरूरी भी है और मुश्किल भरा भी हो जाता है अगर आप इसको समझ कर नहीं लर्न करेंगे, केवल रटेंगे तो इसको समझ नहीं पाएंगे, एग्जाम टाइम में भूल जाएंगे आप इसको। आप इसको समझें, क्या क्या समझें, सिक्स पोजिशंस हो गई हमारी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये सिक्स पोजिशन हो गई है। अब रिटर्न होते रहें, ये तो सिक्स पोजिशन हो गई, सब पहले वाले को बोलेंगे हम एट इन्फिनिटी, सेकंड बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, और इसको बियॉन्ड सी एंड इन बिटवीन, या ऐसे बोल सकते हैं इन्फिनिटी एंड सी के इन बिटवीन भी बोल सकते हैं, एट सी, देन बिटवीन सी एंड एफ, देन एट एफ, ये वाला, ठीक है, एंड देन बिटवीन पी एंड एफ, ये वाला, बिटवीन पी एंड एफ, ये सिक्स नंबर, ठीक है। अब इमेज कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है उसको छोड़ दीजिए, पहले ये देखिए इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा। तो इमेज का नेचर लर्न करना बहुत आसान है, 5 का इमेज नेचर सेम है, यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी इमेज। लेकिन जो सिक्स्थ है वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्यों बनेगी ये, क्योंकि ये जो आपका जो मिरर है उसके बैक साइड में, इनसाइड अंदर की तरफ बैक साइड में बनेगी, इसलिए ऐसा लगेगा ये पीछे की तरफ बनेगी, तो ये सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, पर वर्चुअल बनेगी, मीन्स काल्पनिक, जिसको हम कहें काल्पनिक इमेजिनरी बनेगी इसको, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ कहाँ बन रही है इमेज फॉर्मेशन वो समझिए, यहाँ से निकली सिक्स पर नहीं, इस सबसे पहले वाले को आप यहाँ पे लिखेंगे 1, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगी, 2 वाले की बनेगी कहाँ पर, यहाँ पर, 3 वाले की 3 पर ही बनेगी, 4 वाले की 2 पर, 5 वाले की 1 पर, सॉरी ये 5 है, ठीक है, और 6 वाले की इमेज फॉर्मेशन यहाँ बनेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये काउंटिंग लिख देनी है इस साइड से, और इमेज फॉर्मेशन की काउंटिंग इस साइड से शुरू होगी हमारी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होगी वो इधर होगी। तो इसमें कोई दिक्कत आपको, बिल्कुल ईजी हो गया, समझना है, समझ कर लिखिए इसको, समझिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, 1 पॉइंट पे, ठीक है। बियॉन्ड एफ और सी हमने रख दिया, नहीं, अगर बियॉन्ड सी रख दिया इमेज किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज बन रही कहाँ पे, 2 नंबर पॉइंट पे, और 2 नंबर पॉइंट क्या है, एफ और सी के बीच में, ये एफ और सी का बीच का पॉइंट है ये 2 नंबर, ठीक है, ये सी और ये है एफ, इनके बीच में ये बन गया 2 नंबर, फिर 3 नंबर पे ही बनती है, ठीक है, और 4 नंबर वाला बनेगा यहाँ पर सी और इन्फिनिटी के बीच में, 5 वाला जो F पर रखा है उसके बनेगा इन्फिनिटी पर, और ये जो है 6 नंबर जो P और F के बीच में, इसका कहाँ बनेगा इमेज, बैक साइड में बनेगा 6 नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे देखो कैसी बनेगी, उसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटी पॉइंट साइज की ये इमेज बनेगी, कहाँ, जब इन्फिनिटी पे रखी है, बिटवीन F एंड C, जब ये बियॉन्ड C रखेंगे, यहाँ पे रखे हमने, तो कहाँ बनी, F और C के बीच में बनी, तो ये डिमिनाइज, मतलब छोटे साइज की बनी, और अगर सी पे रखा तो सेम साइज का बनेगा, यहाँ पे अगर कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज भी कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, लेकिन क्या बनेगी, इन्वर्टेड, ध्यान रखना इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी। फिर सी और एफ के बीच में अगर है, यहाँ पे कोई रखा है ऑब्जेक्ट,
तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, सी पे बन रही है, नहीं बियॉन्ड सी, इधर, ठीक है। और एनलार्ज होगी, अभी तक देखो यहाँ भी एक सीक्वेंस है, बहुत छोटी, फिर सेम साइज की आई है, फिर थोड़ा बड़ी आ गई है, फिर और बड़ी आ गई है, और फिर ये बड़ी आ गई, इस तरह से बनेंगे आपको, ठीक है। तो इनको इसी सीक्वेंस में आप लर्न करते चले जाएं। आपको आंख बंद करके एक बात याद रखें कि मुझे पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद लिटरल होते समय 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कहाँ जाएगा, बस। और उसके बाद साइज का आपको पता चल जाएगा, बहुत छोटी छोटी, फिर समान इक्वल साइज की, देन बड़ी और बहुत बड़ी, और देन बिल्कुल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये इमेज फॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। यहाँ इमेज कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, ऐप इसका बैक साइड में होता है तो यहाँ ऐप पर हम रख नहीं सकते, सी पर भी नहीं रख सकते, तो हमारे पास दो ही चीजें बच गई हैं, या तो हम इमेज कहाँ रखें, पॉइंट नंबर 1 इन्फिनिटी पे रखें, और दूसरा कहाँ है, इन बिटवीन पी एंड एफ, ये पी है, ठीक है, और इन्फिनिटी, तो इनके बीच में कहीं पे भी रख दें, वो एक ही इसका बनेगा, ठीक है, ये नंबर 2। तो दो चीज़ें हो गई, और इसके जो इमेज बनेगी वो भी समझ लीजिए, इमेज जो बन रही है इसकी, नेचर ऑफ इमेज देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, लेकिन आभासी है, वो काल्पनिक है, रियल इमेज नहीं है, जैसा कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती थी, यहाँ पे ये कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई, दो ही पॉइंट हैं, एक तो है इन्फिनिटी और एक है इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, दो पॉइंट हो गए जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और नेचर ऑफ इमेज हो गया, वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट होगा। अब पोजिशन कहाँ होगी, तो सबसे पहले जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, वो देखो, एट फोकस एप बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट सीधा बनेगा ही, ठीक है, यहाँ से इमेज आई, ये ऐसे गई, इस तरह से ऐसे करते हुए बननी है ये। अच्छा, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, मतलब छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, अगर इन्फिनिटी पे रखी है तो आपको सबको पता है मिरर में उसकी साइज जो है छोटी बनेगी। दूसरा जो है कहाँ रख सकते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी पे जब हम रख रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन उसकी कहाँ होगी, पी और एफ के बीच में, ये पी है और ये एफ है, तो यहाँ कहीं पे बनेगी, ठीक है, इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, डिमिनाइज्ड होगी, छोटी साइज की बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, कोई दिक्कत यहाँ पे, दो पॉइंट है यहाँ पे, दो पॉइंट रखने हैं, एक इन्फिनिटी है, एक इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, दो गई। फोकस कहाँ है, जो उसका इमेज फॉर्मेशन है वो या तो फोकस पे बन रही है या फोकस और पी के इन बिटवीन में बन रही है, साइज छोटा ही होगा, हाईली डिमिनाइज्ड होगा शुरू में जो इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, और अगर पास में रख रहे हैं थोड़ा नजदीक लेकर आ गए तो डिमिनाइज्ड एंड छोटे साइज की बन रही है, और नेचर ऑफ इमेज हमने बात करी ली, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया वैसे, फिर भी देखो अगले जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं, ये देखिए, एक तो है सेट ऑफ रूल्स जो हैं, प्लस माइनस साइन के साथ में, किसके साथ कौन सा साइन लगेगा, उसके बारे में बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा बातें करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन में, कहाँ प्लस माइनस कैसे किस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो रही है, किस तरह से लाइट इंसिडेंट हो रही है, कैसे मूव कर रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ प्लस साइन होगा, कहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, और इसके बाद बात करेंगे हम मिरर में, मिरर को दिखाते हुए इसकी ये कुछ साइन कन्वेंशन है फॉर मिरर के लिए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बात करनी पड़ेगी हमें, और अच्छे से बात करेंगे, आप समझे, आपको ये अगर आप अपने मर्जी से करते हैं, अगर आपके समझ में आ गया ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इन वीडियो को भी जरूर देखें, जो कि थोड़े टाइम में आएंगे आपके पास में डालूंगा। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, समझ के रखिए बेटा, पूरा वीडियो देखना है, अगर आप अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज भी अधूरा ही मिलने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो आप मुझे उसमें लाइक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दैट इज डजंट मैटर, मैं आपसे नहीं कह रहा आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई तो करो, कम से कम पढ़ाई करेंगे तो वही काम आएगी आपके, लाइक सब्सक्राइब तो बाहर में गया, कोई दिक्कत नहीं उसको छोड़ो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए कुछ भी, और वीडियो को पूरा देखिए, दैट्स ऑल। सो कीप हेल्दी, स्टे होम, स्टे हेल्दी, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।